हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रीति और आपका स्वागत है आपके चैनल स्टाइलन में, जहाँ हम कटिंग, स्टिचिंग और सिलाई से रिलेटेड सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक पेंपलम कुर्ती, जिसे आप शॉर्ट अम्ब्रेला कुर्ती भी बोल सकते हैं। तो आप इमेज में देख सकते हैं, ये इस कुर्ती का स्टाइल है। तो इस कुर्ती को आप ट्यूलिप सलवार या धोती सलवार के साथ वियर कर सकते हैं। बहुत ही फैशनेबल और बहुत ही ट्रेंडी डिजाइन है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मेरे पास कमेंट आए थे कि ट्यूलिप सलवार या धोती सलवार के साथ हम क्या पहने, शर्ट पहने, टी शर्ट पहने या फिर कोई कुर्ती पहने। तो आप इस तरह की कुर्ती डिजाइन करके पहन सकती हैं। तो आज के वीडियो में हम इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज सिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो के अंदर मैंने जो मेजरमेंट लिया है वो मेरे अकॉर्डिंग है। तो 31 इंच की लंबाई मैंने टोटल कुर्ती की रखी है और चोली की लंबाई मैंने 13 इंच तैयार रखी है। तो आपको अपने हिसाब से लेना है कि आपको कुर्ती की लंबाई कितनी रखनी है और चोली की लंबाई कितनी रखनी है, उसके हिसाब से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। जो तरीका मैंने बताया है वो ही तरीका यूज करना है, बट आपका जो नाप है वो बदल जाएगा। जो भी नंबर है, किसी की लंबाई ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। तो जो मेरी थी मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है और आपकी जो है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो आप चोली की जो लंबाई है उसको नाप लेना और टोटल कुर्ती की लंबाई आपको नाप लेना है। तो इस चीज को ध्यान में रखते ही आप कुर्ती की कटिंग करिएगा, तो आपकी कुर्ती बिल्कुल आपके नाप के हिसाब से बन जाएगी। सो इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने लिया है 2.5 मीटर कपड़ा। 2.5 मीटर कपड़े में से मैंने इस तरह से अपनी चोली के लिए कपड़ा निकाल लिया है, जिसकी लंबाई मैंने रखी है 14 इंच। 14 इंच लंबाई में मैंने कपड़े को निकाल लिया है। आपकी चोली की लेंथ जितनी हो आपको उतना लेना है। और इस तरह से ये डबल फोल्ड है और इसको इस तरह से हम आप फोर फोल्ड कर रहे हैं, जैसे हम कुर्ती को रखते हैं। फ्रेंड्स, ये तो मैंने 2.5 मीटर अपने साइज के हिसाब से लिया है। अगर हेल्दी इंसान का बनाना हो तो आपको 3 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। इस तरह से कपड़े को रखने के बाद सबसे पहले हम कंधे का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये बोट नेक में बनेगा। तो कंधे का निशान मैं 7.5 इंच पे लगा रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 7 इंच का, और यहाँ पर भी 7.5 का निशान लगा के इसको लाइन को सीधा कर देंगे ऐसे। अब अपना हाई वेस्ट का निशान लगाएंगे, आर्म होल के जस्ट नीचे जो वेस्ट होता है, जितना भी आपका हाई वेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लगा ले यहाँ पे। और नीचे हम कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर आपकी जितनी भी है उसका आप चौथा हिस्सा लगा ले। और इन दोनों को इस तरह से मिला देंगे। अब हम आर्म होल का शेप देंगे। थोड़ा अंदर की साइड लेते हुए मैं आर्म होल का शेप दे रही हूँ, क्योंकि बोट नेक में बनेगा। इसके बाद आपको जितनी भी मार्जिन रखनी है उसका निशान लगा लें। तो ये मैंने मार्जिन 1.5 इंच का रख लिया है। अब यहाँ पे हमें एक चीज और ध्यान देना है, हम इस वाले कुर्ती पे ऊपर यहाँ चोली पे प्लेट्स डालेंगे, ठीक है? जैसे हम ब्लाउज में टक लगाते हैं ना, वैसे ही हम लगाने वाले हैं आगे और पीछे दोनों पर्दे पे। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा में ले रही हूँ मैं, यहाँ पे 1-1 इंच का लगाएंगे। तो मैं स्टिचिंग करते टाइम आपको बता दूंगी कैसे लगाना है। अब ये मार्जिन वाला और जो हमने टक के लिए एक्स्ट्रा में कपड़ा लिया है इसको ऐसे सीधा कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच का यहाँ शोल्डर डाउन देना है इस तरह से, और गले की चौड़ाई का निशान आपको लगाना है। तो गले की चौड़ाई में 3.5 इंच रख रही हूँ, और इन दोनों निशानों को आपस में ऐसे मैच कराएंगे। जैसे जैसे हमने निशान लगाया है वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं कट लगा लूंगी अपने गले की चौड़ाई का। अब हम जो डार्ट लगाने वाले हैं उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 1/2 इंच छोड़ते हुए इंच टेप को रखेंगे, और यहाँ हम 9.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये टक पॉइंट है हमारा। तो यहाँ 9.5 सबका नहीं लेना है, जिनकी भी साइज आपकी 34 से कम है 9.5 पर लगाएंगे, और 34 से ऊपर जिनका भी साइज है उनको आप 10.5 या 10 पर लगाएंगे। और यहाँ से दूरी हम 3.5 इंच पर लेंगे, ये भी सेम है। 34 से कम वालों की 3.5 इंच की दूरी रहेगी, 34 से ऊपर वाले जो साइज है उनके लिए 4 इंच पर दूरी रखना है। यहाँ 3.5 इंच पर ऐसे करके एक सीधा निशान लगा लेंगे। और जो 1 इंच का हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था इधर की साइड प्लेट डालने के लिए, तो वो यहाँ हम डाल देंगे
लाइन के आधा इंच इधर और आधा इंच इधर लेते हुए यहाँ पे ऐसे तिरछी कर देंगे, हम ये प्लेट डालेंगे यहाँ पर आगे और पीछे के पर्दे पर डालेंगे। तो यह मैं कट लगा देती हूँ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे पीछे वाले पर्दे को निकाल दिया है यहाँ से। अब हम कुर्ते पे फ्रंट शेप देंगे जो कि मैं 1/4 इंच का दे रही हूँ। तो हमारी चोली की कटिंग हो चुकी है, अब हम घेर की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, 2.5 मीटर कपड़े में से हमने चोली निकाल ली है और इसमें से मैंने स्लीव के लिए कपड़ा निकाल लिया है 1/2 मीटर। ठीक है, अब जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है उसका हम घेर बनाएंगे। तो घेर को हम जिस तरह से कटिंग करने वाले हैं मैं इस पेपर पे आपको बताऊंगी कि हम कैसे कटिंग करने वाले हैं। मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है, ये कपड़ा उतना ही है कि चोली का 2.5 मीटर कपड़ा लिया मैंने, चोली का कपड़ा निकाल लिया और स्लीव के लिए कपड़ा 1/2 मीटर निकाल लिया है। उसके बाद का ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, फोल्ड करने के बाद इसको एक कोने से पकड़ के इसको ऐसे हम कोना बनाएंगे इस तरह से, जैसे हम ट्रायंगल शेप में रखते हैं। उसके बाद ये चोलर हो गया। ठीक है, एक बार मैं और दिखा देती हूँ। डबल किया, इसके बाद एक कोने को उठा के इसको किया, 4 लेयर हो गए इसके। अब इसको यहाँ से सेंटर से बीचों बीच एक बार और फोल्ड कर देंगे तो ये हमारे टोटल 8 लेयर हो जाते हैं। ठीक है, 8 लेयर हो जाएंगे हमारे। अब तो इसी तरह से कपड़े को भी बिछाना है, तो कपड़े को मैं ऐसे ही सेम बिछा करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, सेम ऐसे ही हमने कपड़े को बिछा लिया है, तो कपड़े का इधर भी फोल्ड होगा, इधर भी फोल्ड होगा, ये चारों तरफ से फोल्ड साइड होगा, इसमें कुछ भी वो नहीं होता है, खुला हुआ पार्ट। ठीक है, जितने भी खुले हुए पार्ट्स हैं वो एक साइड आ जाते हैं। तो ऐसे ही हमने कपड़े को सेट कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये 8 लेयर है तो जितना भी आपका कमर है उसको आप 8 से भाग देंगे तो जितना भी निकल के आता है उतना आपको निशान लगाना है। तो मेरा यहाँ पे 3.25 इंच निकल के आ रहा है। और कोने से इस तरह से हम निशान लगा लेंगे कि कितनी दूरी पे है, 2 इंच पे है, तो ऊपर से भी मैं 2 इंच पे ऐसे निशान लगाऊंगी और इधर से 2 इंच पे, तो गोलाई में हम शेप देंगे इसको। तो इस तरह से हमको गोलाई में शेप करके कट करना है। अब हम लंबाई लेंगे, घेर की कितनी लंबाई रखनी है। टोटल आपने जितनी कुर्ते की लंबाई रखी है उसमें से चोली पार्ट को निकाल लीजिए। चोली पार्ट आपने 13 इंच का रखना है तैयार। तो 13 इंच को बाहर निकालते हुए इस तरह से आपको जितनी भी लंबाई रखनी है आप रख सकते हैं। तो मुझे 31 इंच चाहिए तैयार मेरा चोली पार्ट बाहर निकाल करके। तो मैं 31 पे ऐसे निशान लगा दूंगी और इस तरह से इंच टेप को रखते हुए पूरे पे 31 का ऐसे निशान लगाते जाना है गोलाई में। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा घेर निकल के आता है। ये 2 परत हो जाएंगी हमारी कट होने के बाद। अब इसको क्या करना है, इसमें से हम ऐसे अलग कर लेंगे, हम इसको ऐसे अपने कमर के साथ अटैच कर लेंगे और हमारे पास बहुत सारा घेर होगा हमारी कुर्ती पे। ये देखिए ऐसे। अब हम अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए मैंने ये कपड़ा पहले निकाल लिया था अपने 2.5 मीटर कपड़े में से। तो कपड़े को मैंने ऐसे 4 फोल्ड करके रख लिया है जैसे हम स्लीव की कटिंग करने के लिए रखते हैं। और इधर मैंने स्लीव की लंबाई का ले लिया है। तो स्लीव की लंबाई मुझे तैयार तो 12 इंच चाहिए, लेकिन ये मैंने 11 इंच ली है इस तरह से लंबाई में। तो हम स्लीव में हल्का सा डिजाइन डालेंगे तो उससे मैं कवर करने वाली हूँ अपनी लंबाई को। वैसे तो हमें 10 इंच चाहिए इसमें और 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने सिलाई के लिए लिया है ये। और 2 इंच का मैं अलग से इसमें डिजाइन जो डालूंगी उससे कंप्लीट हो जाएगा मेरा 12 इंच। तो मैंने ये 11 इंच टोटल लिया है। इधर हमारा फोल्डेड साइड है मुड़ा हुआ भाग, इधर हमारा खुला हुआ भाग है। तो हमें यहाँ से इधर की साइड से लंबाई लेनी है। तो जितना भी आपका सीना है उसका 1/4 हिस्सा ले लीजिए। यहाँ से मैं ले रही हूँ 2.5 इंच पे इस तरह से और स्लीव का शेप देंगे। एक बार गुलाई को नाप के देख लेंगे कि हमारी जो टोटल स्लीव है उसके बराबर है या नहीं।
हमारे स्लीव यहाँ पे आएगी, आर्म होल जो अटैच करेंगे हम कुर्ते के साथ, और एक्स्ट्रा में आप मार्जिन जितना रखना चाहें उतना रख सकते हैं। जितनी भी आपकी टोटल फिटिंग है उसका आधा आपको लगाना है, जैसे मेरी 9 है तो मैं 4.5 पे लगा रही हूँ। मार्जिन आपको जितना सूटेबल हो उतना आप रख सकते हैं। इन दोनों निशानों को आपस में ऐसे सेट कर देंगे। स्लीव की कटिंग हो गई, यहाँ पे हम कट लगा देंगे सेंटर के लिए। अब यहां से 1 इंच का शेप देंगे। तो हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने चोली के फ्रंट पार्ट को लिया है जो आगे की तरफ लगाएंगे, तो इसके गले को हमने सबसे पहले बनाना है। तो गले पे मैं एक पट्टी लगाने वाली हूँ अदर कलर की, कंट्रास्ट कलर मैच करके। तो उस पट्टी को हम इस तरह से लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई तो हमने 3.5 इंच ली है, और गले की लंबाई जो रखूंगी वो मैं रखूंगी यहाँ पे 4.5 इंच पर। तैयार हमें 4 इंच चाहिए, 4.5 इंच पर रखा है मैंने, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। उसके जस्ट नीचे 5.5 पे मुझे एक निशान लगाना है ऐसे, इस तरह से, ये वाली लाइन। तो यहाँ बीच में मैं एक पट्टी लगाने वाली हूँ। तो मैंने इस तरह से एक पेस्टिंग कट की है जो इससे आधा इंच बड़ी है, 5.5 इंच का मैंने जो ये निशान लगाया है इससे आधा इंच बड़ी मैंने रखा है। 6 इंच की पट्टी मैंने कट कर ली है। तो लंबाई तो मैंने इससे आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है 6 इंच का, और चौड़ाई इसकी मैंने 1 इंच रखी है, पट्टी की चौड़ाई 1 इंच है। अब इसको ऐसे बीच में से फोल्ड करेंगे और हल्की सी इस तरह से कॉर्न निकालेंगे। तो ये इस तरह का लुक बनता है कट होने के बाद। इसको मैं एक कपड़े पे प्रेस कर लूंगी। तो ये मैंने कंट्रास्ट कलर का कपड़ा लिया है, तो मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है, कपड़े को प्रेस करके सेट कर लिया है। इसको हम अब अटैच करेंगे। तो ये जो निशान हमने लगाए हैं ये पीछे की तरफ है, तो आगे फ्रंट साइड में हमने ये सेम निशान लगाने हैं। तो मैं इस निशान को ऐसे ले लूंगी इधर, तो ये निशान हमारे उधर के साइड से दिख रहे थे और ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने वो पट्टी लगानी है अपनी, तो इस तरह से हमने ये वाली पट्टी को सेट करना है। तो ये पट्टी हमने लगा ली है, अब इसको हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। हम गले की कटिंग कर लेंगे अपने। लंबाई मैंने ले ली है 4.5 इंच। अब हम यहाँ पे 3.5 इंच पे ऐसे चौड़ाई पे निशान लगाएंगे। तो गले की कटिंग हमने ऐसे कर ली है। अब इस गले को मैं और भी पट्टी से बनाने वाली हूँ। तो ये पट्टी मैंने 1.25 इंच चौड़ाई में काट ली है, और जो हम पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे पीछे की तरफ से लगाएंगे। तो पट्टी को ऐसे मैं मोड़ करके फिर लगा रही हूँ। अब इस पट्टी को सीधा कर लेंगे ऐसे, और सीधे तरफ स्टिच कर देंगे। तो गला बनने के बाद ऐसे लुक आया है इसका। अब नीचे जो हमने डार्ट के लिए निशान लगाए थे उसको हम भर लेंगे। तो डार्ट के निशान हमने पीछे लगाए हैं, तो इस तरह से हम पकड़ेंगे और 1-1 इंच के डार्ट देंगे। इस तरह से 1/2 इंच पे सिलाई लगानी है, और टोटल 1 इंच हमारा कपड़ा कम हो जाएगा। तो फ्रंट पार्ट के टक्स हमने लगा लिए हैं, आगे का पर्दा हमारा तैयार हो गया है। अब सेम ऐसे ही पीछे का पर्दा कर लेंगे, पीछे के जो टक्स लगाने हैं वो लगा देंगे, और गले की जो पट्टी हमने बनाई है ना सेम ऐसे ही हमने गले की पट्टी बनानी है। सो फ्रेंड्स, पीछे के पर्दे को भी मैंने ऐसी पट्टी बना ली है और टक्स हमने
लगा लिए हैं। अब दोनों के कंधे को हम जोड़ लेंगे। तो हमने इस तरह से कंधे जोड़ लिए हैं अपने। अब हम यहाँ पे अपना घेर लगाएंगे इस वाले पार्ट पर। तो घेर के लिए हमने जो कपड़ा कट किया था, तो दो सर्कल निकले थे इस तरह से हमारे, जिसको मैंने बीच में से कट किया था। तो दो घेर निकलते हैं, तो एक हम इस वाले पार्ट पे लगा लेंगे और एक हम आगे वाले पार्ट पे लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पीछे वाले पर्दे पे एक घेर को लगा लिया है। अब आगे वाले पर्दे पे सेम तरीके से हम घेर को लगा लेंगे। फ्रेंड्स, हमने घेर को लगा लिया है दोनों साइड। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई करेंगे। तो फिटिंग का जो निशान हमने ऊपर से लगाया है, ये तो यहाँ तक बस्ट साइज तक तो बिल्कुल सेम वैसे ही लगा लेंगे जैसे निशान है, लेकिन कमर के पास आके हल्का सा ऐसे तिरछा करते हुए इसको स्टिच करेंगे इस तरह से, ठीक है। अगर कमर में थोड़ा लूज भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे जिससे वो फिटिंग हो जाएगी हमारी। तो हम फिटिंग का निशान जहाँ पे लगाया है ऐसे ही हम स्टिच करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिटिंग की सिलाई हमने दोनों साइड लगा ली है और नीचे का जो हमारा घेर है यहाँ हम पीको करवाएंगे। अब हम अपने स्लीव को स्टिच करेंगे। तो जो हमारा स्लीव है, सबसे पहले हम यहाँ पे आधा आधा इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे। स्लीव पर हम एक पट्टी लगाने वाले हैं जो हम डिजाइन बनाएंगे अपना कट का। तो जो हमारी स्लीव है इसको ऐसे करके सेंटर का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारा सेंटर आता है और ये पट्टी ली है हमने। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है और लंबाई मैंने इतनी, जो हमारे स्लीव की फिटिंग के निशान है ना बीचों बीच, इसे आधा इंच एक्स्ट्रा में रखा है। तो इस पट्टी को हम इस तरह से मोड़ेंगे और एक एक पैर की दूरी लेते हुए स्टिच करेंगे। और जो हमने स्टिच किया है इसको ऐसे फोल्ड करके कॉर्न निकालेंगे इनका। अब हम स्लीव को फिटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से पहले फिटिंग की सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। अब ये पट्टी जो हमने तैयार की है इसको हम इधर अटैच करेंगे। तो इसको हम ऐसे अटैच करेंगे, इस तरह से लेंगे अपने स्लीव को, और ये वाली जो पट्टी है इसको हम ऐसे रखेंगे। ये जो हमने स्लीव का निशान लगाया है सेंटर का, इसको इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से हमारा स्लीव डिजाइन बन चुका है। ये कट वाला यहाँ कट रहेगा। फ्रेंड्स, अब हम अपने आर्म होल के साथ ऐसे स्लीव को अटैच करेंगे। तो ये फ्रंट साइड है जिसमें हमारा शेप दिया हुआ है, और ये वाला भी पर्दा फ्रंट साइड है। तो इसको ऐसे ही शेप से शेप मिलाते हुए इसको अटैच करना है। तो नॉर्मल जैसे स्लीव अटैच करते हैं वैसे ही स्लीव अटैच करेंगे। तो मैं दोनों स्लीव को अटैच कर लूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। और इसमें हम डोरी लगाएंगे। तो हम सीधा कर लेंगे कुर्ते को डोरी लगाने के लिए। तो जो हमारी फिटिंग की सिलाई लगती है कमर के पास, यहाँ यहाँ हम डोरी लगाएंगे। तो डोरी मैंने इस तरह से बनाई हुई है, फैब्रिक लटकन के साथ मैंने ये डोरी बनाई है। ऐसे खूब लंबे लंबे मैंने लटकन से इसमें लगा दी है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका वीडियो सेपरेट बनाऊं कि किस तरह से मैंने बनाया है, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, तो मैं बना दूंगी। अब इस डोरी को हमें ऐसे लगाना है, डोरी को बीचों बीच ऐसे करके इसका सेंटर आप देख लीजिए, जहाँ सेंटर आता है निशान लगा लीजिए डोरी के ऊपर। और यहाँ पे जो सेंटर है हमारा सिलाई का, यहाँ पे रख करके ऐसे अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो मैंने डोरी के लिए स्टिच की है सिर्फ 1 इंच के बराबर की है। आधा इंच पीछे वाले पर्दे की तरफ लिया है और आधा इंच इधर की साइड लिया है। तो 1 इंच टोटल हमने स्टिच कर दी है। तो जब मैं फिटिंग कर रही थी इसमें कमर की, तो मैंने आप लोगों को बताया कि थोड़ा सा अगर लूज भी रह जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से लेके आए थे, फिट नहीं किया था इसको, तो थोड़ा लूज ही फिटिंग की थी। तो अब इससे हमारी ये जो फिटिंग है हो जाएगी जब हम इसको
बांध देंगे। इस तरह से हमने लटकन लगा ली है, तो इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी लटकन लगा लेने हैं, और स्लीव को जैसे अटैच करते हैं ऐसे अटैच करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस तरह से कुर्ती में मैंने स्लीव लगा लिए हैं, और जो हमने पट्टी लगाई थी अपने गले पे, तो उस पर मैंने बटन लगा लिए हैं, फैब्रिक बटन। तो इस तरह से मैंने कुर्ती को पूरी कंप्लीट कर लिया है। तो कुर्ती तैयार होने के बाद इसका फाइनल लुक ये निकल के आता है। तो ये ट्यूलिप सलवार के साथ और धोती सलवार के साथ पहनते हैं। तो ये वाली ट्यूलिप सलवार का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबसे पहला लिंक उसी वीडियो का मैं दे दूंगी। तो आप वहाँ जा करके चेकआउट कर लीजिएगा कि किस तरह से इस ट्यूलिप सलवार को बनाना है। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये इसकी घेर और कितने अच्छे से इसका डिज़ाइन निकल के आया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।